पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गया बजट सत्र का विरोध दरअसल चार फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक तीन दिन पहले आम बजट घोषित किया जाएगा जिसका विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे केंद्र की सरकार को फायदा हो सकता है और इसी के मद्देनजर आज 11 विपक्षी दलों के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचा जहां उन्होंने अपनी आपत्ति आयोग के सामने रखी मुलाकात के बाद गुलाम नबी आजाद ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बजट की तारीख आगे बढ़ाई जाए इकतीस मार्च तक कभी भी बजट पेश किया जा सकता है सरकार को आठ मार्च को चुनाव खत्म होने के बाद बजट पेश करना चाहिए वहीं इस मामले में वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार का कहना है कि बजट एक फरवरी को ही पेश होगा चुनाव आयोग जो भी निर्देश देगा उसका पालन होगा निर्वाचन आयोग को पहले से ही इसकी जानकारी थी कि बजट पहले प्रस्तुत होगा निर्वाचन आयोग ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिथियां चुनाव की तय की हैं। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वे राजनीतिक दल हैं जो कहते हैं कि नोटबंदी की लोकप्रियता बहुत कम है तो फिर वे आम बजट से डर क्यों रहे हैं तो अब बजट सत्र को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है वहीं अब देखना यह है कि निर्वाचन आयोग से शिकायत के बाद बजट की तारीख आगे बढ़ाई जाती है या नहीं देखते रहिए डीबी लाइव